जी, आज कोई भी बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपका अभिवादन करना चाहूंगा, जय श्री राम बोलकर और राधे श्याम बोलकर। और चाहूंगा कि आप भी अगर अभिवादन करना चाहती हैं तो कृपया आप भी जय श्री राम बोलकर अभिवादन करें। क्या आप बोल सकती हैं? क्या आप अभिवादन कर सकती हैं? फिजा जी, मेरा सवाल यही है, क्या आप जय श्री राम बोलकर आप हिंदी में कुछ कह रहे हैं? मैं ज्यादा हिंदी नहीं समझती, थोड़ी बहुत हिंदी के अल्फाज समझ आते हैं, पूरी हिंदी नहीं आती। तो आपने और मुझे रिफत ने समझाया कि ये मुझसे मुतालबा करे कि मैं जय श्री राम बोलूं, मुझे तो बात अभी तक हजम नहीं हो रही। मैंने तो इनसे मुतालबा नहीं किया कि चलो वजू करो, मेरे साथ नमाज पढ़ लो, मैंने भी पढ़नी है नमाज ईशा की। तो मैं तो उनको नहीं कहूंगी कि आप वजू करें, मेरे साथ ईशा की नमाज पढ़ लें, उनका अपना धर्म है, मेरा अपना रिलीजन है। मुझे तो समझ नहीं कि सहाफियों के डिस्कशन में कि हम जो बात करें ममालिक के बारे में बात करें, अंदर जय श्री राम का नारा मैं क्यों लगाऊं? मुझे बात ही समझ नहीं आ रही, मतलब क्या मकसद है? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आपसे कि आप जय श्री राम बोलिए। मैं नहीं समझ पाई ये मुझे कह रहे हैं कि मैं जय श्री राम बोलूं। ये आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप जय श्री राम। अच्छा चले, ये तो बड़ी बड़ी लंबी डिबेट छेड़ दी इन्होंने। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अतर एंड रिफत, एक मिनट। ये आज आपने दुबे जी, आपने आज आपने उन चीजों पर मोहर लगा दी, स्टैंप लगा दी जो खबरें हम तक पहुंचती हैं, जिसके लिए मैं आवाज उठाती हूँ कि वहाँ पे मुसलमानों को गन पॉइंट पे कहा जाता है कि जय श्री राम बोले। फिजा खान दुबे जी ने आपको सिर्फ जय श्री राम बोलकर अभिवादन करने की रिक्वेस्ट की थी, आपके कनपट्टी पर बंदूक रखकर बोलने को नहीं कहा था। अगर आप चाहते तो जय श्री राम बोलने को मना कर सकते थे, आपको जय श्री राम बोलना ही पड़ेगा ये उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन आपने छोटी सी बात का बड़ा इशू कर दिया। लेकिन हम इस बात से खुश है कि आपने पाकिस्तानी टीवी पर लायो जाने अनजाने ही सही 8 बार जय श्री राम कहा। जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोले, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। जबरदस्ती घर वापसी करवा रहे हैं, जय श्री राम। वीडियो की लास्ट में इस बंदे ने दुबे जी से कहा कि आप जबरदस्ती घर वापसी करवा रहे हो, इसका मतलब ये आदमी मानता है कि फिजा खान पहले हिंदू थी और अब उसकी घर वापसी हो रही है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा ये वीडियो नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देखिए। इस वीडियो की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।